सो जय श्री राम गाइस, कैसा आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम भी अच्छे हैं। और गर्मी बहुत हो रही है तो मम्मी कह रही है कूलर धो देते हैं, तो मैं कूलर धो देता हूँ, फिर बाद में ऊपर लगाएंगे। क्योंकि एसी तो अभी चलने से रही, एसी अभी ठीक करवाएंगे। मतलब उसकी वो होती है ना, क्या बोलते हैं, सर्विस जो होती है, क्लीनिंग जो कहते हैं, तो वो होगी, उसके बाद ही हम एसी चलाएंगे। तो अभी पहले कूलर धो देता हूँ। तो खिसका खिसका के बाहर रख दिया कूलर। अब पहले पेचकस से खोलता हूँ। ये देखो कितना गंदा हो रहा है, खरीदे काला काला छुट रहा का, ये सही है, छिपकली तो नहीं है कम से कम। तो गाइस मम्मी कर रही हैं कूलर साफ। मम्मी जब आपको करना था मेरे को क्यों बुलाया? मेरे पेट में भी दर्द हो रहा। तो गाइस कूलर तो मैं ऊपर ले गया, बड़ा भारी था, अब जाली और लगा देता हूँ कूलर में। तो मैं ले आया ऊपर को कूलर, कूलर लगा दिया मैंने यहाँ पर और रखी भर रहा है यहाँ पे पानी। पानी नहीं, पानी 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 नीचे से लिया, ऊपर से भर दिया, अच्छे से भरिए। सारा कारपेट गीला कर दिया इसने, कारपेट नहीं वो अच्छे से डाल। चल देखो कल के तो काम करवाने मुझे ये। चूहे जैसे दो दांत दिख रहे तेरे। अब मैं आया हूँ साइकिल ठीक करवाने। अब साइकिल ठीक करवा के जहाँ पर हम पहले रहते थे वहाँ पर ये साइकिल ले आऊँगा, और वहाँ से अपनी वाली साइकिल ले आऊँगा। ये मेरी नहीं, मेरे भैया की साइकिल है, मेरी वाली दूसरी है। अब जा रहा हूँ साइकिल से घर पर, साइकिल ठीक करवाइए बड़े दिनों बाद, फिर ये भैया को दे के आऊँगा। बड़े दिनों बाद चलाइए साइकिल, बड़ा अजीब सा लग रहा है, एक हाथ पर चला रहा हूँ। गाइज अब हो रहा है शाम का टाइम, और अब मैं साइकिल को भैया के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, मतलब जहाँ हर्ष भैया के यहाँ पे हम रहते थे ना, तो उनके भी मैं साइकिल को लेके आ रहा हूँ। बहुत रखे रखे, मतलब बहुत पुरानी हो गई और मैं अभी इसका यूज़ भी नहीं करता, तो ये वाली देखे आऊँगा, और जो मेरी वाली साइकिल है वो लेके आऊँगा। ठीक है, चलो साइकिल चल चला था, आ गया इस गली में। लगभग 3-4 साल बाद साइकिल दौड़ा रहा हूँ इस गली में, नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। वो हमारे पुराने वाले घर की छत। यहाँ पे पहले हर्ष भैया और मैं पतंग उड़ाते थे। दी डालने पौधों में पानी। अब सारे एक साइड को लगा दिए। अरे मैंने बाहर खड़ी कर रखी थी धूप में साइकिल, उसकी सीट टूट गई, 2-3 महीने से बाहर ही खड़ी थी वो। ये मेरी वाली साइकिल बहुत ज़्यादा छोटी है, मेरे को चलाने में बहुत दिक्कत पड़ रही है, दर्द कर रही है टांगे, बहुत दर्द कर रही है टांगे। अब आ गया मैं घर पे, और ये देखो ये साइकिल इतनी छोटी है, बहुत छोटी साइकिल है इतनी सी। और अब मैं जा रहा हूँ मंदिर पे क्योंकि आज मैं लेट हो गया। चलो अभी मैं आया हुआ हूँ आदित्य भैया के घर पे। और भैया इस वक्त नहाने को बड़े हुए हैं, और टाइम देखो 7:05 हो गया, भैया अब गए हुए हैं नहाने के लिए, पता नहीं कब आएंगे। भैया जल्दी आओ, भैया जल्दी आओ जल्दी। अच्छा हाँ, अब पता नहीं डमरू कैसे बजेगा, जल्दी आई ना रे, अब आएंगे तभी डमरू बजेगा। आज बाबा को श्रृंगार हुआ है ऐसे, ये सारी दाल है। आज पूरा श्रृंगार दाल से हुआ है। और बाहर की सारी सफाई कर दी, स्लिप साफ कर दी, कांच भी साफ हो गए, प्लेटें रस्तों की भी धो रहे हैं, और अब ये हटानी है, अब ये हटा रहे हैं, फिर बाद में सब एक साथ मिक्स कर देंगे। और आज सब गए तो बस हम 3 जने हैं। मंदिर में दूल्हे राजा जी आए हुए हैं, ये लो यहाँ के। तो हमने सारे पोछा वोछा लगा दिया, हवन कुंड भी साफ कर दिया, अब अंदर की हो रही धुलाई।
अब चलते हैं घर पर। जय श्री राम। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ घर पर, और यह है वो साइकिल मेरी वाली, और बाइक मैंने वो अंदर कर दी है। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज तब भी मेरे देखो कितने पसीना आ रहे हैं, भाग दौड़ बहुत रही। कभी आंटी के यहाँ पे जा रहा हूँ साइकिल दे के आ रहा हूँ, फिर दूसरी साइकिल लेकर आ रहा हूँ, फिर मंदिर गया वहाँ पर डमरू बजाया। तो डमरू से देखो मेरे हाथ कैसे हो जाते हैं, कैसे दिखाऊँ। ये देखो ये बीच की उंगली है मेरी, कैसे हुई, फटने वाली है। तो थोड़ा ख्याल रखूँगा, अच्छे से करना है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ, वीडियो शेयर भी करना। जय श्री राम।